हरियाणा बॉर्डर ते डटे राहुल गांधी क्या जदों तक नहीं जान दिंदे धरना लगा के बैठांगा अते पुलिस नाल चढ़त तो बाद राहुल गांधी काफिले संग हरियाणा होए रवाना। लंबे समय तो बाद प्रताप सिंह बाजवा ते कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मंच ते होए इकट्ठे। बाजवा दा बयान जिस दिन साडी सरकार आ गई उस दिन ही खेती कानून फाड़ के सुट देवांगे। सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। राहुल गांधी की रैली विच होए सन शामिल। राहुल गांधी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई बड़े नेतावां दे संपर्क च सन आए। अते स्कूलां नूं खोलण लई सिख्या मंत्रालय ने जारी किए नवे दिशा निर्देश। 3 हफ्तिया तक नहीं होणगे टेस्ट, स्कूल खोले जाण दा फैसला लवेगी सूबा सरकार। सत श्री अकाल, दैनिक सवेरा देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं रचना ते बुलेटिन की शुरुआत इस खबर के नाल। पंजाब विच 3 दिन तो ट्रैक्टर रैली कर रहे राहुल गांधी हरियाणा बॉर्डर ते हरियाणा विच दाखल होने लई लगातार पुलिस नाल बहस करते रहे अते झड़प तो बाद उन्हां हरियाणा वाल रुख कर लिया ते अपनी रैली हरियाणा वाल नूं मोड़ लई। खेती कानूनां दे खिलाफ पंजाब च रैलियां करन तो बाद राहुल गांधी हरियाणा चले गए ने। तस्वीरां च देखा जा सकता है कि राहुल गांधी हुण हरियाणा च दाखिल हो रहे ने। पंजाब च अज अपनी आखिरी रैली करन तो बाद ओह हरियाणा बॉर्डर पहुंचे सन जिथे ओह हरियाणा च ट्रैक्टर समेत दाखिल होना चाहुंदे सन ते रुक के मंजूरी दा इंतजार कर रहे सन। इस दौरान हंगामा भी होया ते राहुल गांधी धरने ते बैठ गए। कुछ देर धरने ते बैठण तो बाद देखा जा सकता है कि राहुल गांधी हरियाणा च दाखिल हो गए ने जिथे ओह रैली नूं संबोधन करनगे। हरियाणा दाखिल होने तो पहला राहुल गांधी ते कांग्रेस पार्टी दे काफिले नूं हरियाणा बॉर्डर ते रोकिया गया जिथे उन्हां धरना लगा बयान दिता कि जेकर उन्हां नूं नहीं जान दिता गया तो इत्थे ही धरने ते डटे रहणगे ते किसानां दी लड़ाई लड़दे रहणगे। ये हमें जाने नहीं दे रहे तो पुल पे रोक रखा है, तो जब तक ये नहीं खोलेंगे तब तक, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जब तक ये नहीं खोलेंगे तब तक मैं यहाँ बैठा। पंजाब की किसानी के लिए हमेशा लड़ गया, पंजाब हरियाणा हिंदुस्तान के किसानों के लिए, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि जब तक ये गेट नहीं खोलेगा ना तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। 10 घंटे लगे 10 घंटे, 100 लगे 100, मैं नहीं हिलूंगा। वो बंद रखे, मैं यहाँ बैठा हूँ। पंजाब खेती कानून के खिलाफ रैली कर रहे राहुल गांधी ने सोफे वाले ट्रैक्टर का जवाब दिंदिया कहा कि मैनू सोफे वाले ट्रैक्टर नू लेके सवाल पूछा जा रहा है, पर कदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो किसी ने सवाल किया कि उन्होंने अपने दोस्त ट्रंप दे जहाज वर्गा 8,000 करोड़ का जहाज क्यों मंगवाया। पंजाब च खेती बिलों खिलाफ सोफे वाले ट्रैक्टर ते बैठ के प्रदर्शन करन ते विरोध चल रहे राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिता है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यार ट्रंप वर्गा 8,000 करोड़ दा जहाज मंगवा लिया जिस ते उन्हां नूं कोई सवाल नहीं कर रहा, पर मेरे सोफे वाले ट्रैक्टर ते मजाक मनाया जा रहा है। पटियाला च प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान राहुल ने कहा है कि मोदी दे इस आलीशान जहाज विच एक नहीं बल्कि पंजाब पलंग होणगे, जिस बारे सवाल मोदी नूं भी होने चाहिए ने। या यहाँ पर आपसे सवाल ये पूछा जा रहा था कि गद्दी लगी थी आप उस ट्रैक्टर पे बैठे थे। नहीं, मगर ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए के लिए 2 हवाई जहाज क्यों खींचे, क्यों खरीदे। $1 billion, 8,000 करोड़, उसमें कुशन छोड़िए, उसमें तो पलंग है पूरा, मतलब एक पलंग नहीं 50 पलंग होंगे उसमें। ये नहीं कहते कि भैया हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने 8,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा, क्यों, क्योंकि उसके मित्र ट्रंप के पास जहाज है 8,000 करोड़ का, तो उसे भी चाहिए। ये नहीं कहते, ये कहते भैया राहुल गांधी अमरिंदर सिंह जी गए ट्रैक्टर पे बैठे थे, किसी ने कुशन लगा दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ, नैरेटिव चेंज हो जाता है, आप पॉलिटिकल टूरिज्म वर्ड इसको दिया जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप अगली बार जब कोई इशू उठाने की सोचते हैं तो इससे निपटने का क्या उपाय आपके पास है। क्योंकि देखो, मैं अपना काम करता हूं, मैंने जैसे बोला मीडिया कैप्चर्ड है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैप्चर्ड। काफी लंबे समय तो बाद प्रताप सिंह बाजवा ते कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मंच ते इकट्ठे नजर आए। इस मौके बाजवा ने कहा कि किसानों नूं बचाउण लई सानू सारिया नूं एकजुट होना पवेगा। इस नाल ही उन्होंने किसानों नाल वायदा किया कि जिस दिन साडी सरकार आ गई उस दिन ही खेती कानून फाड़ के सुट दिता जाएगा। मोदी साहब ने जड़ा हुण मेरे वीरो आ 3 बिल जिन्हां ते दस्तखत प्रेसिडेंट कोविंद ने किए ने 27 सितंबर नूं,
असी ये गल कही है किसानों के डेथ वारंट ते मोदी जी सरकार ने राष्ट्रपति को दस्तखत कराए, ये तुहाडी मौत दे वारंट ने। अज राहुल गांधी जी साडे लीडर ने यकीन दवाया पंजाब हरियाणा ते सारे हिंदुस्तान के किसानों नूं, जिद्दण साडी सरकार बनी अकाली कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने संगरूर विच गल कही सी, गुरु महाराज साहब ने जदों मेहर कीती अगलियां चोणां आईयां कांग्रेस की जित होई साडे नौजवान लीडर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनिया, सारे ना पहला कदम पहले दिन ये तीनों जिहड़े जिमीदारां दे डैथ वारंट दे पाण के खूह विच असीं सुट्टांगे, नूं अग ला देवांगे, ये साडी तुहाडे नाल वादानामा है पंजाब की किसानी नाल कांग्रेस की लीडरशिप। बहुत लंबा ना जाता होया मैं राहुल जी तुहानूं वेलकम कर, साडे आपस दे विच बहुत सारे मतभेद हो सकते ने बट किसानों की वजह कर जे किसानी बचानी है पंजाब की कांग्रेस लीडरशिप नूं एक होना पएगा, पंजाब के किसानों नूं एक होना पएगा। मोदी कोलों सौखा काम नहीं, मोदी के गोडे लवाने कल्ले पंजाब ते हरियाणे के लोग जानते ने, मोदी के गोडे असीं लवा के छड्डांगे। सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू की करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जानकारी मुताबिक बलबीर सिद्धू ने हल्के बुखार ते गला खराब होने कारण अपनी जांच करवाई सी जिस ते उन्हां दी करोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। दस दईए कि सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू राहुल गांधी दी रैली च शामिल भी होए सी ते राहुल गांधी ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल होर वड्डे नेतावां दे संपर्क विच भी आए सन। इस वेले दी अहम खबर, सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू दी करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दसिया जा रहा है कि सरदार सिद्धू का गला खराब होने कारण अते बुखार महसूस होने ते उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया सी जिसकी अज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दस दिए कि सेहत मंत्री एक दिन पहला ही संगरूर विखे राहुल की रैली विच शामिल होए सन अते प्रोग्राम के इंचार्ज भी सन ते उन्होंने इस मौके स्टेज की सेवा भी निभाई सी। स्टेज संभालन मौके बलबीर सिंह सिद्धू, इस मौके राहुल गांधी, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत, विजेंद्र सिंह सिंगला, साबका मुख्यमंत्री रजिंदर कौर पठल दे समेत अनेक आगुआं दे संपर्क विच रहे सन, जबकि इसे तो एक दिन बाद ही हुण उन्हां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिस दे नाल हुण कांग्रेसी मंत्रियां अते आगुआं दी चिंता बद सकती है। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्रालय दे स्कूल सिक्ख्या अते साक्षरता विभाग वल्लों 15 अक्टूबर तो स्कूलों नूं मुड़ खोले जाण नूं लैके दिशा निर्देश जारी कर दिते गए ने। हालांकि स्कूलों नूं खोले जाण दा फैसला सूबा सरकार वल्लों लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बात की छूट दी है कि वो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए और अभिभावकों से संस्थानों से बातचीत करने के बाद 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से वो स्कूल खोल सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि गृह मंत्रालय के इस निर्देश के बाद, इस फैसले के बाद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने बृहद गाइडलाइन तैयार की हैं जिसमें सुरक्षा और दूराइयों को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए क्या क्या ज़रूरी है ताकि बच्चे की सुरक्षा, उसकी रक्षा और उसके बाद उसकी शिक्षा। और इसलिए सभी राज्यों के आदरणीय शिक्षा मंत्रियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इसको व्यापक तरीके से थोड़ा सा अपने स्तर पर भी व्यक्तिगत रुचि लेकर के ज़रूर देखेंगे। और जो दिशा निर्देश भारत सरकार ने जारी किए हैं उनको स्कूल खोलते समय परिस्थितियों को देख करके और अभिभावक की सहमति से ये स्कूलों में सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, कितनी दूराई पर होगा, किस तरीके से उस कक्षा का सफाई और ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे दूर दूर तक, तो वो जो SOP जारी हुआ है उसका भी पालन करना होगा। किसान यूनियन कादियां वालों आज जलंधर दे सारे रिलायंस मॉल बंद करवा दिते गए।
किसानों का कहना है कि केंद्र दे इस काले कानून पिछे रिलायंस कंपनी दे मालिक अंबानी दा पूरा हाथ है, इसलिए ओ उस दे सब कारोबार दा डट के विरोध करनगे। कोरोना दे टाइम दे विच इसे मोदी ने एक काला बिल पास कर दिता जिहदे नाल किसानी दा मरेगी मरेगी हर इंसान मरेगा। इस मोदी दा प्लान की है, मोदी पीएम सैन करेगा ते ओ तो बाद जिहड़ा अडानी आ ये फसल खरीदेगा स्टोर करेगा, उस तो बाद अंबानी जिहड़ा इहनू बेचेगा। ये ओनली थ्री पीपल बिजनेस, तीन बंदे का बिजनेस है, मोदी अडानी ते अंबानी। पंजाबी ने धक्का करे सहणी तो ना सहवांगे असी, जिन्ना चिर साडा मंगा नहीं पूरियां होनियां एम एस पी मंडियां ते जिहड़ा हैगा स्वामीनाथन रिपोर्ट इहनां दे लागू नहीं हुंदी, असी पंजाब दे विच गरंटी करदे हां अडानी वाणी तां कोई नहीं चलन। एक किसान, एक जिहड़ा किसान आ उह पैदा करदा, सरकार खरीदी आ, सरकार स्टोर करती आ, टाइम टू टाइम डिमांड जिदा होंदी आ उन्हें सप्लाई करती आ। जो प्राइवेट साथ आ गया वो मर्जी ना खरीदेंगे तो मर्जी ना बेचेंगे, उस वेले स्टाफ अंदर बैठा ना ये भुखा मरू। भारतीय किसान यूनियन इकाई गुरुसर वालों अपने घर के बाहर पोस्टर लगाए गए ने। इन्हों पोस्टर च लिखा गया है कि जो तक ये किसान विरोधी एक्ट वापस नहीं लिया जाता उदों तक कोई भी सियासी पार्टी उन्होंने घर ना आवे। ਸਾਡਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਪੋਸਟਰ ਆਪਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਟੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਟੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਾ ਕਸੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ 114 ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 28ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਫੋਰਸ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। देखिए, आरएफ को इस साल 28 साल पूरे हो जाएंगे और इन 28 साल में जब भी कभी चाहे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो या कोई भी आपदा हो, हर जगह आरएफ ने काम किया है। रैपिड एक्शन फोर्स ने हिंदुस्तान में ही नहीं, बाहर भी गई है एज ए पीस कीपिंग फोर्स, चाहे वो हेती हो, कॉन्गो गई है, और बीच बीच में हमारा फोर्स का कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट फॉरेन में भी रहता है। और हमारी जब हम शुरू हुए थे तो हम 10 बटालियन से शुरू हुए थे और आज हम 15 पे हैं, तो इससे आप मान सकते हैं कि जो आरएफ का जो गवर्नमेंट में जो वो है विश्वास है वो बड़ा है और इसी हिसाब से हमारी संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये सन हुन तक दी खबरां मेनू रचना नु दियो इजाजत, होर वधेरे जानकारी लिए देखते रहो दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर वड्डी खबर ते लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।